नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, आज हम पल पल के दर्शकों को जन नायक चौधरी देवीलाल के व्यक्तित्व एवं उनके जीवन दर्शन से जुड़े कुछ पहलुओं की जानकारी देने जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के परिवार के कुछ सूत्रों से पल पल को उपलब्ध करवाए गए कुछ चित्रों की जुबानी से हम आपको चौधरी देवीलाल के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। और पहला चित्र जो हम आपको दिखाएंगे वह है उनके बचपन का, उनके सहपाठियों के साथ। जब चौधरी देवीलाल मोगा में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनके अतिरिक्त चौटाला गांव में उनके निवास स्थान का भी एक चित्र हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, 1952 में चौधरी देवीलाल पहली बार पंजाब विधानसभा के लिए सिरसा से निर्वाचित हुए। 1957 में भी वे सिरसा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की, जिनका सबूत इन दोनों चित्रों में उनके विजय जुलूस का चित्र भी एक शामिल है, जो इस बात की गवाही देता है। चौधरी देवीलाल ने 1966 में हरियाणा के गठन में मुख्य भूमिका निभाई, मगर वे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 1977 में। 4 जुलाई 1977 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार को दूर करना, बिजली पानी का प्रबंध करना आदि नारों के साथ चौधरी देवीलाल 28 जून 1979 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वे 1986 में नया युद्ध के माध्यम से 1987 में हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे देश में एक जन आंदोलन चलाया तथा वीपी सिंह व विपक्ष के अन्य नेताओं को एकत्र करके पूरे देश में उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करके वे न केवल सफल रहे बल्कि उन्हीं के आंदोलन के चलते देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद वे 1989 को देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उन्होंने संसदीय दल ने प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें निर्वाचित किया था, मगर उन्होंने अपनी ओर से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और स्वयं ने उप प्रधानमंत्री बने। 2 दिसंबर 1989 को उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चौधरी देवीलाल वास्तव में जन नायक थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक घराने में मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाइए। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक जन क्रांतिकारी योजनाएं आरंभ की, जिनमें से बुढ़ापा पेंशन के अतिरिक्त किसानों की ऋण माफी एक प्रमुख योजना थी। चौधरी देवीलाल का निधन 6 अप्रैल 2001 को नई दिल्ली में हुआ। उन्हें बापू की समाधि राजघाट के नज़दीक किसान घाट के नाम पर समाधि स्थल दिया गया। यह किसानों के प्रति उन्होंने जो जीवन भर संघर्ष किया था, इसी के चलते देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्हें राजघाट के नज़दीक किसान घाट समाधि स्थल बनाने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया गया। हालांकि वे उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका सम्मान बड़ा था। इसके अतिरिक्त सिरसा जिला के डबावाली क्षेत्र में साथ लगते पंजाब के कालावाली में 25 सितंबर 2001 को उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सद्भावना पार्क का उद्घाटन किया। यह सद्भावना पार्क चौधरी देवीलाल को समर्पित था तथा यहां चौधरी देवीलाल की कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई। उनके निधन के बाद प्रदेश सरकार ने दर्जनों योजनाएँ आरम्भ की। चौधरी देवीलाल के नाम से प्रदेश में आरंभ कई योजनाओं में से एक विश्वविद्यालय के अतिरिक्त सिरसा में घग्गर के नज़दीक बने ऑटो वियर पार्क का नाम भी चौधरी देवीलाल रखा गया। यहां तक कि चौधरी देवीलाल के नाम से केंद्र सरकार ने दूरदर्शन का नाम भी चौधरी देवीलाल रखा। इसके अतिरिक्त गोहाना सहित कुछ अन्य चीनी मिलों का नाम भी चौधरी देवीलाल चीनी मिल्स के रूप में रखा गया। प्रदेश में अनेक पार्कों में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के साथ साथ आदमकद की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं तथा चौधरी देवीलाल के नाम पर लगभग प्रदेश में हर छोटे बड़े पार्कों का नाम भी स्थापित किया गया। वहीं 25 सितंबर 2001 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक डाक टिकट भी जारी किया, जो चौधरी देवीलाल के नाम समर्पित था। देश व विभिन्न प्रदेश के हिस्सों में या अलग अलग प्रदेशों में चौधरी देवीलाल के नाम पर अनेक योजनाएं भी आरंभ की गई। दोस्तों, इसी के साथ हम फिर एक बार जन नायक चौधरी देवीलाल को उनके जीवन दर्शन के साथ नमन करते हैं और उनके जीवन दर्शन के इन चित्रों की जुबानी भी हमने आपको बताई है।
इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।